तेजस्विन शंकर भारत के सबसे मशहूर एथलीटों में से हैं और इन्होंने एशियन गेम्स में और उससे भी बड़ी बात कॉमनवेल्थ में मेडल हासिल किया और उसकी जो तुलना है एक तरह से ओलंपिक के मेडल की तरह से कही जाती है क्योंकि उन्होंने पाथ ब्रेक किया। लेकिन बड़ी बात यह है कि मैं यहाँ आपसे 8 साल पहले मिला था इस स्कूल में और एक बार फिर स्कूल आया मिलने। हम चाहे किसी भी लेवल पे पहुँच जाएँ, स्कूल पहुँचना चाहते हैं और वहाँ जो सराहा जाता है उसकी बात ही कुछ और होती है। सबसे पहले मैंने बच्चों को देखा आपसे एकदम ऐसे जैसे ऑटोग्राफ के लिए जो छूना चाह रहे हैं ये, और यहाँ स्कूल में आना ये कितनी बड़ी बात है आपके लिए? जी सर, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और 8 साल पहले जो आप जिस बात का आपने जिक्र किया, तो मैं वर्ल्ड स्कूल गेम्स जो कंपटीशन था वो जीत के मैं आया था। स्कूल में ही सबसे पहले मैं आया था कि प्रिंसिपल मैम को मेडल दिखाना है, और तब आप मुझे मिले थे वहाँ स्कूल के ग्राउंड में, तो हम चल के हाई जंप पिट तक गए थे। तो तब हमने वॉक द टॉक एक तरीके से किया। करेक्ट। और आज वापस उसी ग्राउंड में बैठ के, मतलब आपने मुझे यहाँ देखा एज अ चीफ गेस्ट। दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम स्कूल में मैं चीफ गेस्ट बन के आया। पिछली बार कोविड के टाइम पे ऑनलाइन हो गया था वो वर्चुअल, बट फर्स्ट टाइम एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है कि हमेशा मैंने पीछे की साइड से देखा, कभी चीफ गेस्ट की कुर्सी से नहीं देखा कि सारी प्रोसीडिंग्स कैसे होती हैं। उसके पीछे के साइड से मैंने देखा था कि हमें मार्च पास्ट करना है और यू नो डिसिप्लिन में रहना है, सारी चीज़ें थी। बट एज अ चीफ गेस्ट आज मुझे आके एक तरीके से कंप्लीट सर्कल जिसे कहते हैं वो महसूस हुआ। दुनिया में जितने भी बड़े एथलीट हैं, गिविंग बैक टू द गेम, गिविंग बैक टू द स्कूल जो कॉन्सेप्ट है वो मतलब एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल सर, मेरा तो ये मानना है कि बड़ा छोटा होने से गिव बैक करने की जरूरत नहीं थी। दैट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ, दैट्स पार्ट ऑफ योर हु यू आर। तो आप बड़े हों इसीलिए आपने गिव बैक करना चाहिए, ऐसा मैं नहीं मानता। तो मेरा यही ओपिनियन है, इसीलिए मेरे लिए तो खैर गिव बैक करना एक सोच भी नहीं थी। स्कूल जैसे ही मुझे पता लगा कि मेरे को आने का एक मौका मिल रहा है, तो वो तो उससे मैंने ये भी नहीं सोचा कि मैं गिव बैक कर रहा हूँ या फिर कितने लाइफ्स को मैं चेंज कर पाऊँगा या फिर अपने बातों से यू नो हाउ मेनी पीपल आई विल बी एबल टू इन्फ्लिक्ट चेंज अपॉन। तो ये सब मैंने सोचा नहीं था, मेरा बस ये सपना था कि आज मैं स्कूल जा रहा हूँ वापस आफ्टर 6 ईयर्स। एक्टिविटी वीक जो हमारे यहाँ पे होता है, स्पोर्ट्स वीक जिसे कहते हैं, तो वहाँ जाने का एक जो चांस था वही बहुत बड़ी बात है। बट कमिंग बैक टू, आपने बोला कि यू नो गिविंग बैक टू द कम्युनिटी, गिविंग बैक टू योर स्कूल एंड ऑल द प्लेसेस जहाँ से आप उभर के आए हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि आपको वो मौका कहीं से मिला है, वो अपॉर्चुनिटी कहीं से मिली है, तो वापस जाके प्रोत्साहन देने से अच्छी बात तो क्या ही हो सकती है। और आपसे पहचान में मैं मैम को क्रेडिट ज़रूर देना चाहूँगा। 8 साल पहले आपने मुझे कहा था और तब हम लोग पूछ रहे थे क्या एज है, मैम आप क्या सोचती हैं इसके बारे में। इनका यहाँ पे आना, मैम तेजस्विन के बारे में बहुत सारी कहानियाँ लोग जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कहानियाँ हैं स्कूल में जो आप मुझे कभी बता रही थी, अगर क्योंकि वो लोगों को जाननी चाहिए। बहुत कहानियां हैं, पर कई ऐसी हैं जो उसमें तेजस्विन और हमारे बीच ही रहें ज़्यादा अच्छा है। नहीं, जैसे कपिल यहाँ आए थे। हाँ, एक साल की बात है, कपिल देव आए थे जब शायद तेजस्विन नेशनल रिकॉर्ड बना के आए थे, और उनके सामने कई एथलीट्स ने प्रदर्शन किया। तो जब तेजस्विन के लिए बार लगा हाई जंप पे, तो कपिल मेरे साथ स्टेज पे बैठे हुए थे, कहते इतना ऊंचा नहीं लगाइए, मैं कम में भी इम्प्रेस हो जाऊंगा। तो क्योंकि उस दिन कीचड़ थे, याद है तुम्हें? तो मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो इनके कोच सुनील भागे भागे आए, कहते नहीं सर कर लेगा। और तेजस्विन ने उनसे कहा कि कपिल सर आप बहुत पहले विद्यालय आए थे, मैंने आपकी ऑटोग्राफ ली थी। तो उन्होंने ना लो बिट, और आपने बोला था कि इतना बड़ा बन कि मैं तुमसे ऑटोग्राफ मांगूं। बड़े लोग। तो कपिल देव ने करेंसी नोट निकाला अपने वॉलेट से, याद है तेजस्विन, और बोला बेटा आज तो तू अपना ऑटोग्राफ मुझे दे दे। तो मुझे बहुत फक्र हुआ दोनों पे, हमारे उभरते एथलीट पे और कपिल जी के बड़प्पन पे, कि ऐसे प्रोत्साहित किया जाता है बच्चों को। एक तेजस्विन मैंने देखा कि जैसे नॉर्मली स्कूल को जानते हैं हम एकेडमिक्स से ज़्यादातर, लेकिन ये ट्रेंड कई सारे स्कूल्स में आपके यहाँ, आपके यहाँ और भी काफ़ी बच्चे जो हैं नेशनल्स खेल रहे हैं। एक रिच जो स्कूल के थ्रू जो अमेरिका में एक तरह का कल्चर है वो यहाँ आने लगा है पिछले 8-10 साल में। मैं तो जब से स्कूल में हूँ और मेरे पहले सिर्फ आपके स्कूल में, ये हम मेरे ख्याल से मेरे पेरेंट्स ने मुझे डाला ही स्कूल में इसलिए था 20 साल पहले, क्योंकि ये उस समय भी शायद स्कूल के वे इन अहेड ऑफ द कर्व था हमारा स्कूल। तो वो एक जो चीज़ है, और आप कहीं भी, मतलब ये मैं एग्जैजरेट करके नहीं बोल रहा, जैसे अजय जडेजा यहाँ से कहीं भी आप सुनेंगे तो सरदार पटेल की एक अलग ही एक पहचान होती है, एक अलग ही इमेज होती है। वो इसीलिए नहीं होती क्योंकि कुछ शोशा या कुछ है, इट्स मोर अबाउट द सिंपलिसिटी, मोर अबाउट यू नो जस्ट मेकिंग श्योर दैट यू डूइंग द राइट थिंग, प्रोसेस पे आप फोकस कर रहे हैं। और जैसे आपने बड़े बड़े नाम गिनाए, अजय जडेजा, विवेक राजदान, ये सारे हमारे स्कूल से पास आउट हैं,
लेकिन इन सब की आप एक ट्रेंड देखेंगे तो दे आर वेरी गुड स्पीकर्स एंड दे आर हाईली एजुकेटेड. तो कहीं ना कहीं वो भी तालमेल बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्कूल आपको सिखाता है कि सिर्फ आप खेल में अच्छे हैं या पढ़ाई में अच्छे हैं तो वहाँ उससे आप सर्वाइव नहीं कर सकते. ऑफिस में एनडीटीवी में बहुत सारे जर्नलिस्ट. बिल्कुल. अगर क्योंकि अभी हम ये साल खत्म होने वाला है अगला, और आपने पास ब्रेकिंग दो इवेंट चुना है, हाई जंप और डेकाथलन में अब आप आ गए ओलंपिक्स के लिए, अपने लिए और टीम इंडिया के लिए. बिल्कुल सर. अगला भी जैसे एशियन चैंपियनशिप्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ये सब जब मैं इस स्कूल के ग्राउंड में बैठता था तब तो एक बहुत ऐसे हवाई बातें लगती थी. हमारा गोल था, आपको तब बोला था तो आप लोग उस समय, हमारा गोल था स्कूल का रिकॉर्ड तोड़ना है. तो तब धीरे धीरे जैसे मतलब एक बात शायद मैं शेयर करना चाहूँगा कि अध्यापक और समय बहुत सिमिलर होते हैं, उनमें बस एक फ़र्क होता है कि जो अध्यापक होता है वो सिखा के इम्तिहान लेता है और समय जो होता है वो इम्तिहान लेके सिखाता है. तो कहीं ना कहीं ये जो एक्सपीरियंस है, टाइम जो इतना पास ऑन हुआ है, यू नो विद टाइम आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो वो कहीं ना कहीं क्रेडिट स्कूल को ही जाना चाहिए और जो एक्सपीरियंस है और सारी चीज़ें हैं वो स्कूल क्रेडिट. आपको लगता है इस बार पेरिस में खासकर एथलेटिक्स के जरिए हमारा रिजल्ट पहले से कहीं बेहतर? बिल्कुल. आई मीन हर साल होप उम्मीद यही होती है और कि अच्छा हो और अच्छा हो. इस साल भी मुझे लगता है कि पिछले 4-5 साल में हमने जो प्रदर्शन देखा है हमारे खिलाड़ियों का वो इतना अच्छा रहा है कि कोई बड़ी बात नहीं है कि पैरिस ओलंपिक्स में हम पिछले बार से भी और ज़्यादा मेडल लाएं और हमारा कंटिजेंट और ज़्यादा अच्छा करे अक्रॉस स्पोर्ट्स. आप मैम स्पोर्ट्स को लेके पूछती हैं, समाजित होती है उम्मीद? देखिए स्पोर्ट्स सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं. आज तेजस्वी ने बहुत अच्छी बात कही और वो शायद विद्यालय की बॉटम लाइन है कि एक्सलेंस इन एवरीथिंग दैट यू डू. आप कुछ भी कीजिए, चाहे आप अपना होमवर्क कीजिए, चाहे आप एक लेख लिखिए, उसमें आपको सदा प्रतिभा मिलेगी अगर आप अपना बेस्ट करेंगे और रोज बेस्ट करेंगे तो आपका बेस्ट बेहतर होता चला जाएगा. है ना? और तेजस्वी ने इसकी मिसाल है कि पढ़ने में भी अच्छे हैं और खेलने में अच्छे रहे, और यही बात यहाँ इन्होंने स्कूल में भी कही और जिसकी बात हम हमेशा करते हैं कि गिविंग बैक टू द गेम, गिविंग बैक टू द स्कूल एक जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी सारे प्लेयर्स के लिए भी एक मिसाल है और ज़ाहिर तौर पे इसको सबको अपनाना चाहिए. अपनाते जो भी हैं वो एक मिसाल कायम करते हैं. दिल्ली से कैमरामैन सुशील राठी के साथ विमल मोहन, NDTV इंडिया.